इस टाइम ओला की, ठीक है, ऊबर भी कर देता है कभी कभी, ऊबर भी कर देता है ना, ऊबर ने करी नहीं है वरना इतने दिन में कर देता है ऊबर भी, ऊबर और जल्दी करता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह ब्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि समय पता है कितना हो रहा है, समय हो रहा है भाई 12:36 भाई। यार गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने, फ्लो फ्लो में निकल जाता भाई, आदत पड़ी है ना रोज वाली, ठीक है। तो 12:36 है दोस्तों और मैं घर से निकल चुका हूँ। मैंने गाड़ी भी आज यार बाहर से धुलवाई है, पैसा खर्च करके पूरे 100 रुपए खर्चा किए भाई मैंने। बात ये थी दोस्तों कि एक तो मैं यार लेट पहुंचा, फिर मैं लेट सोया, फिर मैं लेट उठा, और लेट उठने की वजह से मैंने टाइम को थोड़ा कम बर्बाद करने के लिए ना भाई घर पे नहाया वहाया नाश्ता वाश्ता करके तुरंत जो है निकल आया। फिर मैंने बाहर गाड़ी खड़ी बाहर गाड़ी धुलवाई, जब मैं धुलवा रहा था तभी मैंने डिवाइस को कर लिया तो ऑन। फाइनली अभी अपनी इस टाइम पे डिवाइस अपनी ऑन है दोस्तों, ठीक है। राइट फिलहाल अभी मेरे पास कोई नहीं आई है, रेंटल आई थी 2 घंटे की, लेकिन रेंटल उठाने का कोई यार मुझे मतलब लॉजिक थोड़ा सही लगा नहीं, बिकॉज अगर मैं रेंटल उठाऊंगा 2 घंटे की तो बज रहा 12:30, फिर बज जाएगा 1:30, 2:30, लगभग 3 बजे मैं फ्री हो पाता, ठीक है। तो फिर यार अगर इनकेस आउट स्टेशन आनी होती तो वो नहीं आ पाती है ना, तो इसकी वजह से मैंने रेंटल को यार नहीं उठाया, स्किप मार दिया, मतलब स्किप हो गई, वो अपने आप से स्किप हो जाती है जब आप नहीं उठाते हो, ठीक है। तो अभी क्या करना दोस्तों, अभी ना अपना आउट स्टेशन का वेट करना है। अगर आ जाती है भाई चाहे 4 बजे आए, चाहे 5 बजे आए, चाहे 6 बजे आए, चाहे पूरी रात रुकना पड़े, भाई मैं निकल जाऊंगा, या कहीं की भी आए मैं निकल जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। बिकॉज यार सोचना नहीं है, क्योंकि कल तो मतलब कल लेट हो गया तो उसकी वजह से आज तो अपन नुकसान नहीं कर सकते है ना। तो भाई वेट करते हैं आराम से, देखते हैं बुकिंग कितनी देर में आती है या आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि कल 4-5 बुकिंग कैंसिल भी हुई है ना ब्रो। तो क्या लगता है आपको, आएगी? अगर लगता है आएगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं लगता है तो भी बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं तो कर रहा हूँ वेट, जिससे पता चलेगा तभी वेट करने के बाद कि आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। बने रहिए ऋषि सिंह ब्लॉग्स पे आगे की अपडेट जानने के लिए कि अगर 12:30 ऑन होती है डिवाइस, 1:15 होती है तो राइड आती है कि नहीं आती, ठीक है मेरे दोस्तों। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि मैं कर रहा था गाड़ी का वेट और मिल चुके हैं मुझे अपने अजय भैया, ठीक है। अजय भैया को तो आप पहचान ही चुके होंगे क्योंकि कई सारी वीडियो में अजय भैया अपने साथ में, ठीक है। और अजय भैया के साथ एक दिक्कत हो गई यार दोस्तों, दिक्कत ये हो गई कि अजय भैया की जो ओला की आईडी थी ना वो बंद कर दी ओला ने। क्यों अजय भैया? और बंद क्यों करी है वो अजय भैया से जानते हैं। अजय भैया क्यों बंद करी है? एक्सपायर डॉक्यूमेंट। एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स, क्या एक्सपायर था आपका? इंश्योरेंस। तो दोस्तों इंश्योरेंस एक्सपायर था, जिसकी वजह से ओला ने भैया की जो आईडी है ना ओला की वो कर दिया है ऑफ रोड। भैया के पास बचा है केवल और केवल उबर, उबेर मतलब कुबेर, इस समय वही बना हुआ है भैया के लिए, उबेर जो है वो बना हुआ है भैया के लिए कुबेर, ठीक है। बेसिकली दोस्तों इस टाइम भैया की ही नहीं मतलब बहुत सारे लोगों की आईडी जो है वो ऑफ रोड हो रही है, किस वजह से, ये अपने एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स की वजह से। किसी का टैक्स नहीं जमा है तो ऑफ रोड हो गई, किसी का इंश्योरेंस नहीं है, किसी का फिटनेस नहीं है, लाइक ये सारी चीज़ें जो गाड़ियों में होती है ना, जिसकी वजह से ओला बहुत सारी गाड़ियों की जो है वो ऑफ रोड कर रहा है आईडियों को। और ये यार देखा जाए तो अजय भैया, लेकिन एक बार को देखा जाए तो सही भी है, बिकॉज अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ही दिक्कत है। सपोज कि मान के चलिए कहीं जा रहे हो, भगवान ना करे कुछ हो जाता है, तो आपका ही दिक्कत है। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे रहेंगे तो उसमें आपका ही प्रॉफिट रहेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो फाइनली अभी अजय भैया जो है अभी अपना इंश्योरेंस करवाएंगे और उसके बाद फिर उसमें लगाएंगे। अजय भैया के साथ साथ एक अपने और भैया थे, उनका भी फ़ोन मेरे पास आया था, ठीक है। उनका भी एक्सपायर डॉक्यूमेंट की वजह से ना उनका ऑफ रोड हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी चला रहे हैं या चलाने की सोच रहे हैं ना, तो कोशिश करिएगा डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट रखिए, उसमें ना अपनी जीत होती है। बिकॉज गाड़ी जो है अपना रोड पे चलती है तो बिना जो पेपर्स वर्क होते हैं ना उसको कंप्लीट कराए मत चलाइए, ठीक है। और अगर कोई पेपर एक्सपायर हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है उसको करवा लीजिए, बिकॉज उसमें आपको ही दिक्कत होगी, बिकॉज उस पर चालान कटेगा। आप गाड़ी भी आजकल ऑफ रोड करते जा रहे हैं इस टाइम ओला की, ठीक है, ऊबर भी कर देता है कभी कभी, ऊबर भी कर देता है ना, ऊबर ने करी नहीं है वरना इतने दिन में कर देता है ऊबर भी, ऊबर और जल्दी करता है, पहले ऊबर ही करता था, अब तो ओला ने भी करना शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब पूरा यही है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। गाड़ी के डॉक्यूमेंट हमेशा कंप्लीट रखिए, जिसमें कि आपको ही प्रॉफिट होगा, चालान नहीं होगा बिना मतलब का, ठीक है दोस्तों। और बाकी ना मैं कर रहा हूँ वेट अपनी अभी राइड का, तो देखते हैं दोस्तों अपनी राइड जो है कितनी देर में आती है और कहाँ की आती है। फिलहाल अभी तो नहीं आई। समय कितना हो गया अजी भैया? समय हो गया 1:40 दोस्तों, ठीक है। मतलब 1:40 हो गया और कोई भी राइड नहीं आई है सिवाय वो 2 घंटे की रेंटल के, जिसको मैंने उठाया नहीं था। अब तो लग रहा है उसी को उठा लेते, कम से कम पैसा तो आ जाता है। उसको हमने स्किप कर दिया, हमने सोचा कि रेंटल उठा लेंगे तो आउट स्टेशन नहीं आएगी फिर, क्योंकि 3:30 बज जाएगा है ना, इसकी वजह से हमने रेंटल उठाई नहीं, वो पास हो गई।
चलो दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं राइड अपनी कितनी देर में आती है, ठीक है। बाकी अजय भैया तो इस समय परेशान नहीं है, अब इंश्योरेंस करवाएंगे तब उसमें लगाएंगे, फिर जाके कहीं गाड़ी उनकी ऑन रोड होगी, फिर वो पैसा कमा पाएंगे। अभी वो उबरी के सहारे हैं, नुकसान भी हो रहा है भाई, नुकसान तो होगा ही, बनी सी बात है भाई। उबर से ज़्यादा काम कानपुर की बात करें तो ओला देता है, ठीक है। यहाँ पे उबर थोड़ा सा कम चलता है, जिसकी वजह से अजय भैया को दिक्कत अजय भैया हो ही रही होगी इस टाइम, है ना। तो ये चीज़ है, देख रहे हैं कितना मुरझाया हुआ चेहरा ये। अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो में देखा होगा, ये वही अमीर वाले भैया है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन पता नहीं क्यों इंश्योरेंस नहीं करवा रहे। चलिए दोस्तों करते हैं वेट, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ना यार, राइड अपने पास आउट स्टेशन की नहीं आई और भाई समय ना 4:45 हो गया है भाई, 4:41, ठीक है। और भाई राइड का कोई कहीं पे भी अता पता है नहीं, तो मैं गया था गैस जलाने, बिकॉज गैस रिजर्व में लगी थी। मैंने क्या सोचा था, अगर आउट आती है तो रास्ते में कहीं से मैं डलवा लूंगा, लेकिन आउट तो अपनी आई नहीं, तो इसकी वजह से मैंने ना गैस डलवा लिया यार भाई 500 रुपये की। अब क्या करना है, अब जो है भाई लोकल राइड ऑन करूंगा और लोकल चलाऊंगा, क्योंकि भाई खाली नुकसान मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो कुछ 2,000-5,000 का तो कुछ होना ही हो ही जाएगा रात को, अगर 9-10 बजे तक चलाएंगे, ठीक है भाई। तो अभी ना गाड़ी में कपड़ा मार ले, क्योंकि खड़े खड़े सुबह से हो गई है, थोड़ा सा धूल मिट्टी आ गई है, तो ये साफ करके जो है तुरंत फिर ना अपन काम करने लगेंगे लोकल का, ठीक है दोस्तों। तो जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पे ना काफी अंधेरा है, और मैं बता दूं आपको, मैंने ना लगभग 5:30 से भाई काम करना शुरू किया था, ठीक है। और अभी बज रहे हैं अप्रोक्स 7:25, भाई 2 घंटे और अपनी 4 राइडें कंप्लीट हो चुकी है टू बैक, ठीक है। और जो टोटल 4 राइडों का ऑपरेटर बिल है ना, वो है 467 रुपए का, मतलब भाई सही खींच दिया। अगर इसी में मान लो 3-4 राइडें और हो जाती हैं, ठीक है, तो अपनी 7-8 राइडें हो जाएंगी। मतलब एक्चुअल में मुझे मैंने काम क्यों किया, मतलब यार मैं वेट करके घर चला जाता क्योंकि आउट तो आई नहीं थी। मैंने काम इसलिए किया ना कि मुझे ये भी देखना था कि भाई लोकल का काम कैसा चल रहा है, बिकॉज यार अभी 5-7-8 दिनों से मैंने लोकल का बिल्कुल भी नहीं किया ना, तो इसकी वजह से भाई मैंने ना लोकल चलानी शुरू करी। मैंने सोचा लाओ देखते हैं, पता भी चलेगा कि लोकल का काम अपना कैसा चल रहा है, ठीक है। और बाकी अभी ना यार 4th राइड को मैं ड्रॉप करके बस यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ, तो भाई 5th राइड का मैं वेट कर रहा हूँ। आई तो थी श्यामनगर की थी, श्यामनगर से दोस्तों यार होता क्या है ना, राइड थोड़ा सा लेट बसती है, इस वजह से मैंने फिर ना उसको उठाई नहीं, ठीक है। और देखते हैं जल्दी कोई अच्छी लोकेशन की, जैसे ही जो है राइड आती है। तो गई यार ये, लेकिन सही नहीं है, पिकअप लोकेशन नहीं अच्छा है, ठीक है छोड़ते हैं इसको। भाई जब से ना ये ड्रॉप दिखाने लगा तब से भाई बहुत ज्यादा मतलब सहूलियत हो गई है, जिस पे जाना है जाओ, जिस पे नहीं जाना है इसी तरीके में जाओ मत जाओ, ठीक है दोस्तों। तो करते क्या है, करते हैं वेट अपनी 5th राइड का, ठीक है। और भाई 4th राइड के जो कस्टमर थे, अरे भाई साहब मतलब कस्टमर हो तो ऐसे, भाई जैसे उनको ड्रॉप किया भाई चाय वाय उन्होंने पिला दी घर पे, समझ रहे हो आप। एक ये होते हैं कस्टमर और एक वो होते हैं यार कबीरा तेरी देश में भांति भांति के लोग, वही वाला हाल है। चलो दोस्तों 5th राइड का करते हैं वेट, कोई अच्छी सी राइड आएगी फिर चलेंगे अपन करने, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, समय हो रहा है 9:30 और मैं जा रहा हूं घर, लेकिन उसके पहले देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जो अपने टोटल ऑपरेटर बिल बनाना, वो बना भाई 7 राइडों पे 757 रुपए का। और गैस की अगर बात करें ना दोस्तों, हाफ पे आ गई है, 500 की डलाई थी भाई, अप्रोक्स आप मान सकते हैं 250 रुपए की गैस लग गई है भाई, ठीक है। और 500 रुपए बच चुका है, मतलब ले दे के ना भाई, अगर बोला जाए बचत की बात तो भाई खाली गाड़ी की किस्त निकली। अगर यही हम गाड़ी दूसरे से चलवा रहे होते ना, तो भाई जो उनको देते ना पैसा वो अपनी जेब से देते हैं, ठीक है, या तो गाड़ी के किस्त में काम हो जाता है। अब गाड़ी किस्त तो मतलब 500 रुपए के आसपास भाई पड़ी जाती है, ठीक है। तो ये रहा भाई, लेकिन भाई आज मैं चलाने वाला नहीं था, ठीक है। आप लोग तो देखते हैं मैं लोकल कितना ही चलाता हूँ, लेकिन भाई मैंने ये सोचा ना कि भाई लोकल चला लेते हैं, बिकॉज भाई लोकल का भी काम मतलब कर लेना चाहिए कभी कभी। सेकंड भाई थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाता है कि लोकल में काम की सिचुएशन क्या है, ठीक है। और अभी ना मिल चुका है अपना श्लोक भाई, बहुत दिनों बाद आप लोगों की फरमाइश से जो है श्लोक भाई को मैंने बुलाया, और बुलाने के बाद जो है बहुत दिन बाद मैंने आपको दिखाया, और देख सकते हैं आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भालू बन चुका है, बाल बाल बड़े बड़े। लोग फरमाइश कर रहे थे नहीं, वो तो तुम्हारा मन रखने के लिए बोल, गजब बेइज्जती है। अच्छा, मेरा मन रखने। तो दोस्तों श्लोक मिल चुका है और अभी हम लोग चाय वाय भी पी चुके हैं, ठीक है। और मैं जा रहा था घर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले बता दिया जाए और उसके बाद घर जाया जाए, ठीक है दोस्तों। बाकी ब्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। अब कल भाई ना कसके काम करना है, ठीक है, बिकॉज आज काम अपना उतना सही हो नहीं पाया, ठीक है। क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज कल यार लेट हो गया था बस इसकी वजह से, ठीक है। तो श्लोक व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे और देखते रहे ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।